हेलो अनुकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड की वो जन्नाटेदार कमाई करने वाली फिल्म जिसे स्टार्स ने फ्लॉप समझकर मारी थी लात। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SRK की फिल्म यानी कि शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की। जी हाँ, बाजीगर फिल्म सबसे पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन सलमान खान ने इसे नेगेटिव रोल के चलते हुए इसे ठुकरा दिया था। और ये फिल्म बाद में शाहरुख खान को मिली और शाहरुख खान का करियर इस फिल्म से बन गया। अब बात करते हैं शाहरुख खान और सनी देओल की फिल्म डर की। ये फिल्म भी दोस्तों सबसे पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी और आमिर खान ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बाद में ये रोल शाहरुख खान को मिला और शाहरुख खान की किस्मत चमक गई। फिर आती है देवदास। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म देवदास, जिसे शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार है। और इस फिल्म में जो जैकी श्रॉफ का रोल है वो पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था, लेकिन गोविंदा ने ईगो के चलते इस ऑफर को ठुकरा दिया। बाद में ये रोल जैकी श्रॉफ को मिला और ये फिल्म भी हिट हो गई। फिर आती है फैशन। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की फैशन फिल्म। ये प्रियंका चोपड़ा वाला जो किरदार है वो पहले करीना कपूर को ऑफर हुआ था, लेकिन करीना कपूर ने इसे ठुकरा दिया। बाद में ये रोल प्रियंका चोपड़ा को मिला और उसके बाद देसी गर्ल ने सबका दिल जीत लिया। अब बात करते हैं फिल्म कल हो ना हो की, जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा है। जो प्रीति जिंटा वाला रोल है वो करण जौहर सबसे पहले करीना कपूर को देना चाहते थे, लेकिन करीना कपूर ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया और ये रोल मिला प्रीति जिंटा को और ये फिल्म भी हिट हो गई। अब आती है संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी। आपको बता दें कि ये फिल्म संजय लीला भंसाली सबसे पहले सलमान खान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणों के वश सलमान खान ये फिल्म को नहीं कर पाए और बाद में ये रोल रणवीर सिंह को मिला। अब बात करते हैं फिल्म रामलीला की। रामलीला में जो दीपिका पादुकोण का जो रोल है वो सबसे पहले करीना कपूर को मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बाद में ये रोल मिला दीपिका को और ये फिल्म भी हिट हो गई। जंजीर। जी हाँ, जंजीर अमिताभ बच्चन की सबसे बेहतरीन फिल्म है, जिसे आपने देखा ही होगा। दोस्तों धर्मेंद्र से लेकर दिलीप कुमार जैसे स्टार ने इस फिल्म को ठुकराया था। बाद में ये रोल अमिताभ बच्चन को मिला और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को किया और इस फिल्म से अमिताभ बच्चन का करियर बन गया। तो दोस्तों ये थी वो बॉलीवुड की फिल्में जिन्हें एक्टर ने ठुकराया था। बाद में जिन एक्टरों ने इसके साथ काम किया वो फिल्में हिट हो गई और उन एक्टर का भी करियर बन गया। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।